नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं उससे महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन देखिए टुडे बिहार न्यूज आपको सीट बाय सीट एग्जिट पोल बता रहा है कि कौन कहां से जीत रहा है। 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे और स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब जो और सीट है, इससे पहले हमने आपको मिथिलांचल का और सीमांचल का समीकरण बताया और अब बताने जा रहे हैं तिरहुत का। तिरहुत में जब हम घुसेंगे तो सबसे पहले चंपारण के सीटों की चर्चा करेंगे। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, देखिए चंपारण बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि जब 2015 में आपने देखा होगा बीजेपी ने मात्र 53 सीटें जीती थी, तब पूर्वी चंपारण की 9 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया था। 12 सीट है पूर्वी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में भी कंडीशन अच्छा रहा था, लेकिन इस बार क्या समीकरण है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस बात की हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे नौतन से। देखिए नौतन विधानसभा सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, काफी मजबूत दिख रहे हैं। नारायण प्रसाद बीजेपी के टिकट से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर वो मजबूती में दिख रहे हैं। कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं शेख कमरान, यहाँ पर थोड़ा कमजोर पड़ गए हैं। मनोरमा देवी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी थी, लेकिन वोटर जो है वो बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर वोट किए हैं। अब आगे से चर्चा करेंगे हम जब नरकटियागंज की, तो देखिए नरकटियागंज विधानसभा सीट की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रकाश राय का टिकट काट दिया था, जिस वजह से थोड़ा सा उनके समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में मायूसी भी थी, लेकिन यहाँ से उमाकांत प्रसाद को टिकट दिया था बीजेपी ने, जो कि चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। काफी कंडीशन मजबूत है। अभिषेक रंजन कांग्रेस के यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात रामनगर की हम करें तो राजेश राम कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे, इनकी कंडीशन यहाँ पे काफी मजबूत है राजेश राम की। ये भागीरथी देवी जो कि सिटिंग एमएलए है बीजेपी की, उसे थोड़ा सा कमजोर कर रहे हैं, भागीरथी देवी को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेतिया की बात करेंगे तो बीजेपी से कैंडिडेट रेणु देवी है और रेणु देवी पर फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। रेणु देवी चुनाव जीत रही है। मदन मोहन तिवारी कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे, जो कि यहाँ पर कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं। बागहा की बात करेंगे, देखिए बागहा विधानसभा सीट इस बार काफी हॉट सीट रहा, क्योंकि बागहा से सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया बीजेपी ने। राघव शरण पांडे को टिकट नहीं दिया और यहां से टिकट दिया राम पांडे को, श्रीराम सिंह को। श्रीराम सिंह जब चुनावी मैदान में उतरे तो उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जयेश सिंह जो कि चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट से, वो यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो वजह है उनके जीत के पीछे की, उनके मजबूती के पीछे की, वो है राघव शरण पांडे। राघव शरण पांडे यहाँ पर काफी मजबूत दिख रहे हैं और ये वजह है कि कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया है, कांग्रेस को इसका फायदा मिला है और यहाँ पर काफी कंडीशन मजबूत है। नरकटियागंज की बात करेंगे हम, रश्मि वर्मा 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी रेणु देवी के खिलाफ में। रश्मि वर्मा को इस बार संजय जायसवाल ने बीजेपी में एंट्री कराया फिर से और टिकट दिया है। 2015 में इनका टिकट कट गया था, नहीं मिला टिकट, और इस बार वो चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के विनय वर्मा यहाँ पर कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। वहीं बात वाल्मीकि नगर की हम करें तो राजेश सिंह और धीरेंद्र प्रताप चुनावी मैदान में थे। राजेश सिंह यहां से एनडीए के कैंडिडेट हैं जो कि जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं धीरेंद्र प्रताप महागठबंधन के यहां पर कमजोर पड़ रहे हैं, कमजोर दिख रहे हैं। लौरिया की बात करेंगे, शंभू तिवारी आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े थे, इनका सीधा मुकाबला था बीजेपी के विनय बिहारी से, सिटिंग एमएलए हैं विनय बिहारी, लेकिन यहाँ पर विनय बिहारी इस बार कमजोर पड़ रहे हैं। शंभू तिवारी आरजेडी का पलड़ा भारी दिख रहा है। देखिए अगर सिकटी की हम बात करेंगे, सिकटी विधानसभा सीट भी इस बार हॉट सीट रहा है। खुर्शीद आलम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट से, जो कि यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता सीपीआई एमएल के कैंडिडेट थे, जिनका यहां पर पलड़ा कमजोर दिख रहा है। अब बातें पूर्वी चंपारण के 12 विधानसभा सीटों की हम करने जा रहे हैं। जो 12 विधानसभा सीट है उस पर किसका पलड़ा भारी है, कौन कहां कमजोर पड़ रहा है, चर्चा सबसे पहले मोतिहारी विधानसभा सीट की कर लेते हैं। देखिए मोतिहारी विधानसभा सीट से एनडीए ने प्रमोद कुमार को एक बार फिर से सिंबल देकर चुनावी मैदान में भेजा। पिछली बार प्रमोद कुमार मोतिहारी से चुनाव जीतकर सूबे के दो मंत्रालयों का जिम्मेवारी भी उन्होंने उठाया था। नीतीश कैबिनेट में उन्हें दो मंत्रिमंडल मिला हुआ था, लेकिन इस बार यहां पर महागठबंधन ने टिकट दिया है ओम प्रकाश चौधरी को।
देखिए ओम प्रकाश चौधरी महागठबंधन की ओर से आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि जो महागठबंधन के कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पर खेल खराब करेंगे, लेकिन महागठबंधन के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर कमजोर दिख रहे हैं। मोतिहारी में महागठबंधन का पलड़ा हल्का दिख रहा है, ओम प्रकाश चौधरी के पक्ष में लोग कम दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद कुमार यहाँ से एक बार फिर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि रामेश्वर शाह ने यहाँ पर प्रमोद कुमार के वोट में सेंधमारी कर दिया था, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। बातें दीपक कुमार की भी हम करेंगे, दीपक कुमार जो कि रालोसपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर कह सकते हैं कि वोट काटा है, लेकिन यहाँ पर प्रमोद कुमार अब भी मजबूत दिख रहे हैं। वहीं रक्सौल की बात करेंगे, प्रमोद सिन्हा जेडीयू के पहले जिलाध्यक्ष थे, इस बार उन्हें टिकट दिया है भाजपा ने, रक्सौल से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अजय सिंह जो कि पिछली बार बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे, जीते थे, सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट नहीं मिला इस बार उनको, और वे बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। मजबूत उनका भी पल रहा है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के प्रमोद सिन्हा चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात चिरैया की करेंगे, सिटिंग एमएलए लालबाबू गुप्ता इस बार यहाँ पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, पलड़ा भारी है। हालांकि लालबाबू गुप्ता की मुश्किलें संजय सिंह और अवनीश सिंह ने बढ़ा दी थी। अवनीश सिंह विधायक रहे हैं चिरैया से, ढाका से भी विधायक रहे हैं। अवनीश सिंह का क्षेत्र में जनाधार बड़ा है, और इस वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पर लड़ाई भी कांटे की टक्कर का था। लेकिन महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं अक्षय लाल यादव, वो कमजोर पड़ गए हैं। वजह लक्ष्मी नारायण यादव यहाँ पर रहे, सिटिंग एमएलए रहे, टिकट कटा इस बार, और वे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। लेकिन बात जब ढाका की होगी, देखिए ढाका विधानसभा सीट से आरजेडी के फैसल रहमान चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के पवन जायसवाल का पलड़ा हल्का दिख रहा है यहाँ पर, और वजह राम पुकार सिन्हा हैं और अभिजीत सिंह हैं जिन्होंने एनडीए के वोटों में कटौती की है। राम पुकार सिन्हा यहाँ पर अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो पवन जायसवाल की हार निश्चित हो जाएगी। अभिजीत सिंह ने भी कुछ वोट काटे हैं, अच्छा खासा वोट काटा है, अच्छा खासा वोट जन अधिकार पार्टी के कैंडिडेट हैं अभिजीत सिंह, उन्हें भी मिला है। रालोसपा का टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं राम पुकार सिन्हा।